नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। औरंगाबाद लोकसभा की सीट का परिणाम सामने आ गया। औरंगाबाद लोकसभा की सीट से बीजेपी के कैंडिडेट सुशील कुमार सिंह चुनाव जीत गए हैं, जबकि यहां से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम पार्टी के कैंडिडेट उपेंद्र प्रसाद चुनाव हार गए हैं। जीत हार का अंतर 20 लाख से ज़्यादा वोटों का है। तो औरंगाबाद लोकसभा की सीट, ऐसा कहा जा रहा था कि क्या यहाँ पर राजपूत अस्मिता की लड़ाई में इस बार फैसला क्या आएगा। तो सुशील कुमार सिंह इस बार इस सीट से चुनाव जीत गए हैं, बीजेपी के खाते में औरंगाबाद लोकसभा की सीट चली गई है। हम पार्टी के कैंडिडेट उपेंद्र प्रसाद महागठबंधन के खाते से यह सीट जीतनराम मांझी की हम पार्टी के पास गई। हम पार्टी ने यहां पर उपेंद्र प्रसाद को कैंडिडेट बनाया। वो ऐसा सोच रहे थे कि जातिगत आंकड़े यहां पर उन्हें चुनाव में जीत दिलवा देंगे, लेकिन तमाम बिहार में जातिगत आंकड़े ध्वस्त हो गए। किसी भी जाति की पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं चली। सबसे ज़्यादा जनता ने भरोसा जताया है मोदी और नीतीश कुमार पर, और इसी भरोसे की बदौलत औरंगाबाद लोकसभा की सीट से सुशील कुमार सिंह बीजेपी के कैंडिडेट लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए हैं। लाइव सिटीज पर बड़ी जानकारी, औरंगाबाद लोकसभा की सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। सुशील कुमार सिंह यहां पर चुनाव जीत गए, जबकि जीतनराम मांझी की पार्टी हम से उपेंद्र प्रसाद यहां पर चुनाव हार गए। लाइव सिटीज आपको हर एक सीट की जानकारी दे रहा है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। साथ ही आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।